आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया। आज माँ शैलपुत्री की पूजा चित्रा नक्षत्र में पूरे विधि विधान से की गई। वहीं कलश स्थापना आज शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक में भक्तों ने किया। आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर चारों तरफ भक्तिमय माहौल बन चुका है। हर गली मोहल्ले कॉलोनी से लेकर चौक चौराहे तक माँ दुर्गा की स्तुति आराधना के भक्तिपूर्ण गीत गूंज रहे हैं। भागलपुर शहर के दुर्गा वाली मसाक चक काली वाली मानिक सरकार घाट रिफ्यूजी कॉलोनी महाशय दौली बंगाली टोला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समेत विभिन्न क्षेत्रों में माँ दुर्गा के मंदिर में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आज लोगों ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना कर माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। इस नवरात्र में हम लोग 9 दिनों का व्रत रख करके 9 स्वरूपों का उपासना करते हैं, जिसमें कि आज प्रथम दिवस का माँ जगत जननी जगदम्बा शैलपुत्री के रूप में आज पूजन हुआ। कल फिर ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में होगा। इसी तरह से क्रमशः 9 दिन में माँ जगत जननी जगदम्बा के 9 रूपों का पूजन अर्चन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में शारदीय नवरात्र की पहली पूजा आरंभ होते ही बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों ने तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर जय मां दुर्गे का जयकारे लगाकर गंगा जल लेकर पैदल व वाहन से बांका जिला स्थित शंभुगंज में स्थित शक्तिपीठ तेलदिया मंदिर में माँ दुर्गा को गंगा जल अर्पण करते हुए अपनी मनोकामनाओं के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही हजारों कांवरियों ने अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए पैदल व वाहन से बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। नगर परिषद एवं अंचलाधिकारी के द्वारा गंगा घाट में नाव SDRF एवं साफ सफाई की व्यवस्था की गयी थी। आज दुर्गा मैया का पहला पूजा है, नवरात्रि आज से शुरू होगा। इसके लिए भक्तों का भीड़ है और दरभंगा मधुबनी जो है इसी में बाबा को जल चढ़ाते हैं। बाबा बैजनाथ को सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। आज के दिन जो है महत्वपूर्ण कार्य है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत ई चालान शनिवार से लागू होना था, लेकिन शहर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखी। ई चालान को लेकर परिवहन सचिव के आदेश नहीं मिलने के कारण व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो जानकारी मांगी गई थी उसका जवाब दे दिया गया है। मेरे स्तर से भी प्रस्ताव भेजा गया है कि जल्द से जल्द व्यवस्था को शुरू कर दिया जाए ताकि ई चालान यहाँ से शुरू हो सके। 1800 कैमरे लग गए हैं जिससे निगरानी शुरू हो गई है। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। नगर आयुक्त से भी बात हो गई है। जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी हो जाएगा। इमरजेंसी बॉक्स भी चालू हो जाएंगे। ई चालान में थोड़ा और समय लगेगा, शुरू हो पाएगा क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन जो है वहाँ से अभी भी नहीं हो पाया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कुछ क्वेरी थी, उसका नगर आयुक्त ने भी जवाब दे दिया है और मेरे स्तर से भी रिकमेंडेशन गया है कि जल्दी जो है वो API को सारा इंटीग्रेट करा दिया जाए ताकि चलान यहाँ से शुरू हो सके। लेकिन ICCC जो है वो फंक्शनल हो गया। 1800 कैमरे लग गए हैं, कैमरे से मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, सारे पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग हो गई है। वो लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं कि कहीं कोई घटना होती है तो कैसे इमीडिएटली कैमरे को जूम करके और अदर जो उसके फीचर्स हैं उसको एक्सेस करके तुरंत जो है क्राइम के कंट्रोल और प्रिवेंशन दोनों के लिए काम कर सके। एक तरफ जहां शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पूरे शहर में भक्तिमय माहौल है,
वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन एवं नगर निगम का हर चौक चौराहों पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों पर बुलडोजर चला। वहीं अतिक्रमण दस्ता को चौक चौराहे पर अवैध रूप से लगे दुकानों को हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मत्स्य विभाग के पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि हमें जिला प्रशासन एवं नगर निगम से आदेश पारित हुआ, इस बाबत तिलका मांझी से पुलिस लाइन कचहरी चौक होते हुए घंटा घर तक अवैध रूप से चल रहे दुकानों को खाली करने का काम किया गया। वहीं फुटकर विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि अभी पूजा का समय है, अभी हम लोगों को कमाने का समय है और अभी ही जिला प्रशासन और नगर निगम हम लोगों के दुकानों को बंद कर दी है। इतना ही नहीं, हम लोगों के सामान को भी तितर बितर कर दिया गया। हम लोगों को जगह सुनिश्चित कराया जाए तभी हम लोगों के दुकान को हटवाया जाए, जिसकी सूचना हम लोग जिलाधिकारी से कई बार कर चुके हैं। हमको निर्देश मिला है कि अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा, उनका पत्रांक है, आपको बता रहे हैं 1170 14 अक्टूबर के डेट से हमको आदेश मिला है कि आपको तिलका मांझी से कचहरी चौक होते हुए, मनाली चौक होते हुए फिर तिलका मांझी तक अतिक्रमण हटाने का। देखिए नुकसान तो हो ही रहा है कि रोड पर जो दुकानदार लगा रहे हैं तो उसे अतिक्रमण की समस्या आ रही है, लेकिन ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको नगर निगम ने जो है आई कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया हुआ है और उसके लिए वेंडिंग जोन बनाया हुआ है। वेंडिंग जोन में आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अनुमति प्राप्त है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा अतिक्रमण हटाने का विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस बात से है कि स्ट्रीट वेंडर को आप व्यवस्थित करें। जब सरकार ने ऐसा कानून बनाया तो उसको व्यवस्थित कर दें ताकि वह रोड पर अतिक्रमण न फैला सके। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। आज शारदीय नवरात्रा के पहले दिन गंगा घाट में नहाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी दरमियान गंगा का स्नान करने के दौरान एक 30 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। यह घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा क्षेत्र के दारापुर गंगा घाट की है। वहीं इस गंगा घाट पर ही दो युवकों को स्थानीय लोगों ने डूबने से बचाया। डूबे हुए युवक की पहचान हुसैनाबाद के रहने वाले राजकुमार शाह के इकलौते पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नहाने के रास्ते में लगे थे, बारिश का नहीं मिल रहा है, इतने बात है। कैसे मौत हुई? कैसे मौत? पानी है तो कोई बात नहीं, अभी तुरंत ऐसे किए थे, पानी में डूब गया। कैसे डूबा? पानी में नहाते हुए से पानी से खींचा। उसके बाद? उसके बाद चिल्लाए हम लोग, दौड़ के आया, निकालने वाला नाव सब। कैसे निकाला गया? नाव से, जाल से निकाला गया। भागलपुर जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड सुखरार राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में एक युवती का शव मिला। शव मिलने की सूचना इलाके में आग की तरफ फैल गई। सूचना पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गए। स्थानीय लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। लोग दबी जुबान में कह रहे थे कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होगा। युवती के गले में दुपट्टा का फंदा लगा हुआ है और हाथ भी दुपट्टे से बंधा हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रणवीर कुमार ने कहा कि विद्यालय परिसर में सब मिलने की सूचना पर पहुंचे हैं। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, मना करने पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। असामाजिक तत्व काफी हावी रहते हैं। विद्यालय के दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मामले पर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने कहा कि सुखरा राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक युवती का शव मिला है, स्थानीय लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुँच कर सैंपल कलेक्ट किया है। नाथनगर थाना अंतर्गत एसआर इंटर लेवल स्कूल में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। सूचना मिलते ही एसएचओ नाथनगर वहां पहुंचे और सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया गया। तुरंत डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को बुलाया गया और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अगली कार्रवाई की।
मध्य विद्यालय जगदीशपुर में चहक कार्यक्रम के समापन पर वर्ग एक के बच्चों के अभिभावकों के साथ उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, शिक्षिका प्रतिमा मिश्रा, संसाधन शिक्षक गोविंद कुमार तथा अभिभावकों ने संयुक्त रूप से किया। बच्चों की प्रगति देख सभी अभिभावक उत्साहित थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालय में 17 जुलाई 2023 से प्रथम वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल तत्परता के तहत चहक गतिविधि का प्रारंभ किया गया, जिसका आज समापन समारोह है। चहक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने तथा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एक खुशनुमा वातावरण निर्माण करना है। इसमें शिक्षक संगीत, नृत्य, चित्रांकन तथा खेल गतिविधियों के द्वारा कक्षा संचालन करते थे, जिससे बच्चे विद्यालय में उपस्थित होकर पढ़ाई में रुचि ले और विद्यालय में उसकी मुस्कुराहट बनी रहे। दुर्गा पूजा को लेकर जगदीशपुर थाना परिसर में शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने किया। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जगदीशपुर दुर्गा मंदिर के मेला मालिक भारती भूषण झा, भवानीपुर पंचायत का मुखिया अनुरोध प्रसाद महतो, आनंदी प्रसाद सिंह, तगेपुर दुर्गा मंदिर के सदस्य कमलेश प्रसाद शाह एवं जगदीशपुर प्रखंड के आपदा मित्र के अलावे कई अन्य लोग शामिल थे। थाना अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि मेला की देखरेख सभी को मिलकर करना है, डीजे प्रतिबंध रहेगा, समय पर मूर्ति विसर्जन कर लेना है।